हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग स्टैंडर्ड ऑन फिनांशियल रिजल्ट्स पे मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम की बात करेंगे 3949 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर 4998 करोड़ था और दिसंबर 21 क्वार्टर 3542 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट्स की बात करें 3324 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1116 करोड़ था और दिसंबर 21 क्वार्टर में 341 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में गिरावट देखने को मिल रहा है। और गिरावट आने का रीज़न है इस कंपनी का, अगर देखिएगा तो गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेंस। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट आया है और इसका सबसे बड़ा कारण है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंसेस बहुत बड़ा कारण है, जो कि 3464 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट आई है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने के कारण प्रॉफिट्स में गिरावट आया है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कंपनी का EPS तो 19.54 रुपीज़ का है पिछले क्वार्टर से, तो गिरावट पिछले साल से भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्टैंडलॉन में कंपनी यहाँ पे बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे तो गाइस नंबर्स मिलियंस में दिए गए। इनकम 6848 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर 6372 करोड़ था और दिसंबर 21 क्वार्टर में 5394 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स कंपनी का जो इस बार निकल के आया है, टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1243 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1114 करोड़ था, दिसंबर 21 क्वार्टर में 709 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। EPS 74.91 रुपीज़ का पिछले क्वार्टर और पिछले साल के कंपेयर में तेजी देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखिएगा तो कंपनी के जो फिनांशियल रिजल्ट है गाइस, बहुत ही इसमें कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, बट वैसे स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा एवरेज देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश किया है कह सकते हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें, फार्माक्यूटिकल सर्विसेज और एक्टिव इंग्रेडिएंट से करती है, फिर ग्लोबल जेनरिक्स और अदर्स, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि इस बार रेवेन्यू अच्छी देखने को मिला है। तो गाइज अब हम लोग वीडियो वहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।